हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब, सबको पसंद आने वाली क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। ये पास्ता खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है। दोस्तों, आप ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी बनाने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट बन के रेडी होती है और बच्चे से लेके बड़े सब पसंद करते हैं इसको खाना। तो चलो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल घंटी को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी, और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें दोस्तों। चलो रेसिपी की करते हैं शुरुआत। यहाँ पर हम 500 ग्राम लेंगे पास्ता, आधा किलो पास्ता है। इस तरीके से देखिए, पास्ता इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो पास्ता बनाने के लिए हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, इसके ऊपर एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर 3 से 4 ग्लास हमें ऐड कर लेना है पानी। अब हम 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक, 2 चम्मच हमें ऐड करना है ऑयल। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आपके घर में जो अवेलेबल ऑयल हो वो यूज़ कर सकते हो। अब हमें ऐड कर लेना है इसके अंदर पास्ता, लेकिन ख़ास ध्यान रखना है आपका पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे पानी के अंदर पास्ता ऐड नहीं करना है। चम्मच की सहायता से थोड़ा सा पास्ता को अच्छे से पानी के अंदर मिक्स कर लेना है, ज़्यादा हमें नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो दोस्तों, 5 मिनट हो चुकी है और अच्छे से फूलने लगा है पास्ता, लेकिन हमें टोटल इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। जब तक आपका पास्ता अच्छे से पकता नहीं है तब तक हमें इसको पकाते रहना है। हाई गैस के ऊपर ही मैंने पास्ता को पकाया है, स्लो गैस के ऊपर नहीं पकाना हमें, और इसके ऊपर ढक्कन भी बिल्कुल ना लगाया, नहीं तो एकदम चिपचिपा हो जाएगा आपका पास्ता। दोस्तों, 13 से 14 मिनट के बाद हमारा पास्ता एकदम अच्छे से रेडी हो चुका था, तो इसको हमने छाननी की सहायता से छान लिया है। देखिए, इसका एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकाल लिया है। अब हमें ठंडे पानी से 2 से 3 पानी से हमें वॉश कर लेना है। ठंडे पानी से वॉश करने से हमारा पास्ता एकदम छुट्टा रहेगा, एकदम अलग अलग रहेगा, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। एकदम सॉफ्ट हो चुका है हमारा पास्ता, अच्छे से पक चुका है। अब हमें इसका पानी अच्छे से निचोड़ने के लिए रख देना है छाननी के अंदर। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर 2 चम्मच हमें ऐड कर लेना है बटर। यहाँ पर मैंने अमूल का बटर ऐड किया है। इसके अंदर 1 चम्मच हमें ऐड कर लेना है लहसुन पेस्ट, गार्लिक का दरदरा पेस्ट है, आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हो। अब हमें 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन ऐड कर रहे हैं, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, प्याज को। अभी हमें ज़्यादा सॉटे नहीं करना है, बस थोड़ा सा ऑनियन का कच्चापन निकल जाए तब तक इसको भून लेना है। अब हमें ऐड करना है 2 से 3 हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, बीन्स और गाजर को। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा सा गाजर लिया है, बारीक कट कर लिया है। 1 शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। बीन्स को भी कट कर लिया है, 6 से 7 बीन्स थे, 1 बड़ा शिमला मिर्च था, तो इसको बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हो। स्वीट कॉर्न हो तो आप स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, मटर भी ऐड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल जो भी आपको पसंद आता हो, आपके बच्चों को पसंद आता हो, वो वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। वेजिटेबल पक चुके हैं, यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई में 2 चम्मच ऐड किया है बटर। बटर मेल्ट हो गया तो मैंने इसके अंदर 4 चम्मच ऐड किया है मैदा। आधा किलो मेरा पास्ता है तो इसके अंदर 4 चम्मच मैंने मैदा ऐड किया है। जो चम्मच से हम खाना खाते हैं वही चम्मच 4 ऐड किया है मैंने मैदा का, और मैदा को हमें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सॉटे कर लेना है। मैदा हमारा अच्छे से सिक चुका था, खुशबू आने लगी थी, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका था। गैस की फ्लेम को मैंने बंद रखा है दोस्तों, और अब हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दूध। नॉर्मल दूध है मेरा, गर्म दूध नहीं है, नॉर्मल दूध है, वो ऐड करते जा रहे और विस्कर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर रहे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। मैदा चिकना होता है ना, तो गुठलियाँ बनने की संभावना होती है, तो हमें विस्कर की सहायता से या चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है।
देखिए बिल्कुल गुलिया नहीं बनी है। मैदा अगर आपने अच्छे से भून लिया होगा तो बिल्कुल गुठलिया बनने का चांसेस नहीं रहता है। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है मैंने। एक चम्मच हम ऐड करेंगे काला मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, एक चम्मच ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और थोड़ा ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी तो ठंडी का मौसम है तो इस तरीके का स्पाइसी अगर मिल जाए पास्ता तो बात बन जाए। स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे नमक। और अब हमें वेजिटेबल ऐड कर लेने हैं, पका के मैंने रख दिए थे, एकदम हमने नहीं पकाया है, थोड़ा सा कच्चापन रखा है ताकि खाने के टाइम मुंह में आएगा तो टेस्ट बढ़ जाएगा पास्ता का। ये मैंने पास्ता को छाननी के अंदर पानी निचोड़ने के लिए रख दिया था। एकदम ड्राई हो चुके पास्ता हमारे और अच्छे से पके हुए ऑलरेडी पास्ता हमारे, तो वाइट सॉस के अंदर इस तरीके से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रख देना है। दोस्तों आपको अगर ऐसा लगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है बैटर तो आप इसके अंदर और भी थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूध ऐड करने के बाद और 2 से 3 मिनट पका सकते हो। आप देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया एकदम क्रीमी क्रीमी हमारा पास्ता बन के रेडी हो चुका है। और ये पास्ता गरम गरम ही सर्व करने में टेस्टी लगता है, ठंडा पास्ता अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों गर्मा गर्म आप भी खाइए, आपकी फैमिली को भी खिलाइए, बच्चे बड़े सबको खिलाइए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आपकी फैमिली फ्रेंड में भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल।